ऐसा लग रहा है मैं ही वन मैन आर्मी हो रही हूँ आज। घर पे थाल लेने आई हूँ। इसमें मुझे श्रृंगार का जो ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये स्वाहा। ओम हम लोगों ने जस्ट अभी खाना खाया है। हाँ मम्मी, हाँ लगाया है। हाँ हाँ, हमने अभी जस्ट खाना खाया है। खाने में क्या था बुआ सा? सोया चाप था, पूरी थी और खिचड़ी बनी थी। और कल सुबह का आज का खाना वगैरह होगा। और अभी चल रहा है रागनी वगैरह। तो मेरे दादी सा है, उनके घर से आए हैं मामू सा वगैरह, पापा के मामू सा वगैरह। तो उनकी सत्संग की मंडली है, तो अभी जस्ट बस सत्संग शुरू होने वाला है। ये बाबा लोग आए, लोग मटके से सत्संग करते हैं, मतलब पानी के जो मटके होते हैं उसके ऊपर ट्यूब बांध दिया इन्होंने। और इसको बजाएंगे लोग। बज रहे हैं 6:30। वैसे बाकी सभी लोग मतलब 4-4:30 बजे सो गए थे, ढाई ढाई बजे सोए थे सब, और 3:30-4 बजे उठ गए क्योंकि हलवाई वगैरह सब लगे हुए हैं। और टेंट वाले भी आ गए थे, कुछ टेंट तो रात को ही लग गए थे शाम के टाइम, और बाकी कुछ लास्ट जो फिनिशिंग थी वो अब कर रहे हैं शायद सुबह। तो पापा भाई और तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के सब काम वाम करा रहे हैं। रात को वहाँ पे सत्संग हो रहा था बैठक में, तो मैं आ गई थी 12 हाँ 12:30 के आसपास आ गई थी, क्योंकि परी रुक नहीं रही थी। वो जो मतलब स्पीकर में आवाज़ आ रही थी ना, उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर मैं ऊपर भी लेके गई थी बैठक में, हमारे रूम बन रहा है जो, लेकिन वहाँ पे तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो ये वहाँ पे भी नहीं रुकी। तो फिर मुझे घर लेके आना पड़ा। फिर मम्मी भी मेरे साथ आ गए थे, क्योंकि मेरे को फिर यहाँ पे अकेले भाई थोड़ा सा दूर पड़ता है बैठक से हमारा घर। तो फिर मम्मी भी आ गए थे, हम लोग आके सो गए थे, और पापा वगैरह सब वहाँ पे पैकअप वगैरह करके 2:30 बजे सोए थे। तो अब चल रही है तैयारियाँ। मम्मी नहा रहे हैं क्योंकि हवन होगा, तो मम्मी भी बैठेंगे हवन में। मम्मी के नहाती मैं नहा लेती हूँ, और ये परी को भी नहलाऊंगी। और जयपुर का अपडेट ऐसा है कि जयपुर से जियो साहब कुलदीप बना,
और गौतम परी के पापा, ये तीनों आ रहे हैं वहाँ से, चल दिए तो शायद 10-10:30 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। मैं आपसे अब मिलती हूँ तैयार होने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम हनु हनुमन्ते स्वाहा। ओम हनु हनुमन्ते स्वाहा। ओम हनु हनुमन्ते स्वाहा। ओम हनु हनुमन्ते स्वाहा। ओम देखो क्या हो गया, मैंने हेयर वॉश करे थे, मेरे को बाल तक नहीं भाने दिए उसने। हो रहा है, जाओ। हाँ खत्म होने वाला है, अब तो खत्म होने वाला है। और क्या हो गया, क्या हवन कंप्लीट चल रहा है? चल रहा है। बोले ना मैं नहाऊंगा, समय तो देखो जाता है, गर्म ठंडा है क्या गर्म? और तो एक काम कर, बाहर पूजा फूका करे वे उस जगह पे ले गया और फिर अपने काले के नहाने में होया। फिर श्री कृष्ण भगवान आके ब्राह्मण के वेश में बोला, ओ गंगा के नहाने वाले, गंगा को सोने पहले दान कर। बोला ना दादा, मेरे दोरे एक ठंडी तक भी ना है, तू मेरे घर किस आ गया? बोले रे, गंगा के बीच में खड़ा, अब तेरा हिंदू धर्म तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे 11 करोड़ का मालिक मंगू मंग साहूकार का बेटा नरसी, और झूठ बोले हैं कि तेरा धोरा एक भी कोना। मैं वन मैन आर्मी हो रही हूँ आज घर पे थाल लेने आई हूँ। इसमें मुझे श्रृंगार का जो सामान होता है, जैसे चूड़ी हो गई और मेहंदी और कुमकुम और कांच की दो चूड़ियाँ रखनी हैं, और क्या बताया था माने, मतलब श्रृंगार का सारा सामान रखना, काजल, क्योंकि अब दादी सा को नहलाया नहीं है इतने दिनों से, तो आज चौक की सब औरतें गिराएंगी, दादी सा को नहलाएंगी, उसके बाद दादी सा के पीहर से जो उनके लिए सामान वगैरह है, नई साड़ी वगैरह ये वो पहनेंगे वो। और बाहर खाना चल रहा है, रागनी चल रही हैं, आपने देख ही लिया होगा आगे वाले क्लिप में। तो अभी शाम को खाना वगैरह जब ख़त्म हो जाएगा तो पगड़ी की रस्म होगी, जिसमें पापा को पगड़ी पहनाई जाएगी, क्योंकि दादू सा नहीं है अब तो, पापा के आगे अब ठाकर लगेगा, ठाकर सा, तो इस वजह से पापा बड़े बेटे, तो पापा को पगड़ी पहनाई जाएगी दादू सा की। तो मैं काम कर लेती हूँ, मैंने अभी तो खाना भी नहीं खाया है, 3:30 हो गए हैं, भयंकर हालत रखी होगी। ये आज जो कार्यक्रम जो हमारे सरदारों ने किया, जो भक्तों ने किया, ये उनके अच्छे संस्कार हैं। कहते हैं ना, इंसान चला जाता है लेकिन उसकी याद और उसकी पहचान समाज में हमेशा रहती है, और जो संस्कार उन्होंने अपने परिवार में दिए, अपने बच्चों में दिए, आज उसका साक्षात हमारे आपके बीच में एक उदाहरण है। तो कल जो दादू सा का हमारा काज का प्रोग्राम था, खाना वगैरह था, और सत्संग की मंडली वगैरह आई थी, वो बहुत ही अच्छे से। अब नीति दीदी को सभी ने मना कर दिया था, पापा ने भी, सब ने, जियो सभी बोले कि कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ लाने, क्योंकि सर्दी बहुत है, छोटे बच्चे हैं, फिर दी आती तो वो वैसे भी कुछ देख तो पाती नहीं, क्योंकि बाहर नहीं ले जा सकते, उसको अभी अलाउ नहीं है, और फिर उसके साथ दो लोग और चाहिए, क्योंकि दोनों बच्चों को एक एक बंदा तो चाहिए ही संभालने के लिए, छोटे बच्चे हैं, तो कुछ मतलब नहीं था आने का, फिर यहाँ के परेशानी होती, तो फिर सब ने मना ही कर दिया। कि मम्मी भी बोले कि 2-2.5 महीने हो जाएंगे यहाँ पे भी, सब स्टेबल हो जाएगा, फिर दीदी को यहाँ पे ले आएंगे तो तब रुक के चली जाएगी। तो अभी के लिए आज रवि चला गया है, तो वो दीदी से मिल लिया था, आपको आने वाले व्लॉग्स में, दी के व्लॉग में दिख जाएगा आपको। और बस बाकी सब अच्छे से हो ही गया था। रवि का एक्चुअली ऐसा था, जाने का था तो नहीं, लेकिन अब उसको भाई, उसकी काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ का आप लोगों को पता ही है कैसे क्या रहता है, तो उसको मंडे को उसका ऑफिस था, तो फिर सब बोले कि आज तेरे जियो सगरा जा रहे हैं, उनके साथ गाड़ी में ही चला जा, फिर बसों में कहाँ परेशान होगा, तो इस वजह से रवि को भी भेज दिया। तो बस यही है, एक ही कमी रह गई कि दी और हमारे दोनों ट्विंस भी नहीं आ पाए, बट ठीक है, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। सब ने यहीं से उनको आशीर्वाद दिया, सब मतलब इतने ज़्यादा खुश हैं, जितने भी रिलेटिव्स आ रहे थे जिनको पता चल रहा था दी के ट्विंस हुए हैं, तो मतलब सब इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे उस खबर को सुन के, कि
कि चलो मतलब दादू साहब जाते जाते भी घर में खुशी छोड़ के गए हैं, खुशी दे के गए हैं, तो मतलब ठीक है जो हुआ सब हो गया था। तो मतलब नहीं मेरे को टाइम मिला कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ बिल्कुल भी, फ़ोन कहीं पड़ा था पता ही नहीं था, कोई सतूने नहीं थे किसी चीज़ के। तो अब शाम को, कल 31 तारीख को काज था, आज शाम को 1 तारीख को अब जाके हम थोड़ा बहुत फ्री हुए हैं। अभी भी कल के लिए काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है। मेरे जाने का था कि मैं जयपुर जाऊंगी, परी के पापा आए थे उनके साथ, बट दादी सर ने रोक लिया क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे काम था, मम्मी और काकी सब इतना कुछ संभालते। और फिर परसों है जो 15वीं वगैरह कुछ करते हैं हमारे, वो भी करनी है दादू सर की, तो फिर मैं रुक गई। आपको आगे के क्लिप्स में जितना मैं थोड़ा बहुत शूट कर पाई हूँ वो आपने देख ही लिया होगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को हिट कर दें। इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।